पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। आज के दिन महात्मा गांधी जिंदा होते तो कहते, नरेंद्र मोदी जी, मैंने तो प्रयास किया पर आपने उसको सिरे पर चढ़ा दिया, स्वच्छता का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सदी का युग पुरुष कह दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष थे तो पीएम मोदी इस सदी के युग पुरुष हैं। जैन विचारक और दार्शनिक श्रीमद रामचंद्र जी के जयंती समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति धनखड़ ने ये टिप्पणी की। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना किए जाने पर कांग्रेस भी काफी बिफरी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने धनखड़ के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चापलूसी की भी एक सीमा होती है और आप उस सीमा को पार कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जैन विचारक के जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के जरिए बड़ी लड़ाई लड़ते हुए हमें अंग्रेजों के राज से मुक्ति दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जिस रास्ते पर हम हमेशा जाना चाहते थे। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा की और बोलते बोलते ये कह गए कि महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सदी के युग पुरुष हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति की ओर से दिए गए इस भाषण पर लगातार कोई न कोई विपक्षी पार्टी से बयान दे रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना किए जाने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और मणिकम टैगोर ने इस पूरी की पूरी टिप्पणी को शर्मनाक कहा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना किए जाना वास्तव में शर्मनाक है। वहीं बसपा सांसद दानिश अली ने भी उपराष्ट्रपति के इस बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं, ये काफी ज्यादा गलत है। सच्चाई तो ये है कि एक सांसद को किसी समुदाय विशेष के खिलाफ संसद में टिप्पणी करने की इजाजत जो दी जाती है उसी से माहौल पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। आपको बता दें, लगातार अब उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ कोई ना कोई विपक्षी पार्टी से बयान दे रहा है और कांग्रेस इस बात से काफी ज्यादा खफा है कि राष्ट्रपिता की तुलना पीएम मोदी से की जा रही है।